आज हम इमली और सौंठ की खट्टी मीठी चटनी तैयार करेंगे। इमली की चाट को बहुत सारे डिशेज के साथ खाया जाता है, खास तौर से दही बड़ों के साथ, समोसे के साथ, कचौरी के साथ, चाट के साथ। बहुत सारे ऐसे डिशेज है जो कि खट्टी मीठी चटनी के बिना अधूरी होती है। इमली की चटनी 15-20 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने ये चटनी खास तौर से दही बड़ों के लिए तैयार की है, पर आप किसी भी डिश के साथ में इसको सर्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस यूनिक रेसिपी को। चटनी को बनाने में काम में आने वाले सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट मैंने पहले से ही यहाँ पे तैयार करके रख लिए हैं। इनकी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इमली का गूदा और गुड़ भी मैंने यहाँ पर पहले से ही रख लिया है। स्टील की कढ़ाई चढ़ाकर हमने गैस ऑन कर दी है और अब मैं उसमें सौंफ और अजवाइन को सेकने जा रही हूँ। सौंफ और अजवाइन को हमें उनकी सीलन निकल जाए वहाँ तक सेकना है। कढ़ाई अगर अच्छे से गर्म है तो इसको सेकने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास जीरा सिकावा नहीं है तो जीरा भी आप इसके साथ ही सेक लीजिएगा। मेरे पास जीरा पहले से सिकावा था, इसलिए मैंने नहीं सेका है। अजवाइन और सौंफ को हमें मिक्सी में नहीं पीसना है, अदरक कूटने वाले इमामदस्ते में डाल करके उसको दरदरा पीसना है। इसका हमें बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी चटनी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल दरदरा सा कूट लिया है और कूटने से पहले इसको ठंडा जरूर होने दीजिए। यहाँ मैंने खरबूजे के बीज और काजू लिए हैं जिनको हमें मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ध्यान रहे, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इनकी सीलन निकल जाए उतना हमें पकाना है। जैसे ही ये रोस्ट हो जाते हैं, एक प्लेट में इनको निकाल करके अलग से रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। अब मैंने इमली का पल्प लिया है, जो कि मैंने इमली को 4-5 घंटे के लिए पहले से ही भिगा दिया था और उसको छान करके अच्छे से उसको मल करके उसका पल्प निकाल लिया था, जिसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इस तरह से उसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। जितनी मैंने इमली ली थी उतनी ही मात्रा में मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने क्रम्बल कर लिया है ताकि ये आसानी से घुल जाए। तो इस तरह से इमली के पल्प को और गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए पकाना है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे जैसे गुड़ पिघलता जाएगा, वैसे वैसे चटनी है वो गाढ़ी होती जाएगी। 7-8 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि गुड़ है वो इसमें पूरी तरह से मिल गया है और चटनी का कलर भी बहुत सुंदर हो गया है और चटनी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। चटनी को कितना ठीक रखना है ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे अभी थोड़ा सा और ठीक करना है, तो अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर और चलाऊँगी। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करने जा रही हूँ। सौंफ और अजवाइन का जो पाउडर हमने बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब मैं उसमें डालने जा रही हूँ सेके हुए जीरे का पाउडर और साथ में है पुदीना पाउडर। ये मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था, जो भी हम इसके अंदर डाल करके उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब मैं इसमें सौंठ का पाउडर मिलाने जा रही हूँ। सौंठ के पाउडर से चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। सौंठ के पाउडर को मिला करके अच्छे से चटनी को इस प्रकार से हिला दीजिए। अब मैं चटनी में चुटकी भर हींग डाल देती हूँ। सभी मसालों को डालने के बाद तुरंत ही मिलाना जरूरी है, नहीं तो उसकी गुठलियाँ बन जाएगी। यहाँ पर मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक मिक्स करके रख लिया है, जो मैंने स्वाद के अनुसार लिया है। इसे भी डाल करके हम इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। अब मैं इसमें चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसे डाल करके हम अच्छी तरह से हिला देंगे। अब मैंने छुहारे लिए हैं, जो कि मैंने पहले से ही पानी में भिगो दिए थे 3-4 घंटे के लिए, और मैंने उनको इस तरह से लंबाई में काट लिया था, जिनको भी हम अच्छे से डाल करके मिला देंगे। इस तरह से सभी तरह के मसाले मिलाने के बाद में अब चटनी दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो जिस तरह की थिकनेस मुझे चाहिए थी वैसी थिक अब हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट हमारी चटनी अब तैयार हो चुकी है। सारे प्रकार के मसाले मिलाने के बाद में, जो कि काजू और खरबूजे के बीज मैंने रोस्ट करके रखे थे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे से हम मिला देंगे। तो ये चटनी की हमारी लास्ट प्रोसेस चल रही है। इसके बाद में चटनी हमारी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंसिस्टेंसी इसके अंदर रखना चाहते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तैयार चटनी को अब हम एक बाउल के अंदर इस तरह से परोस लेते हैं। तो इमली और सौंठ की मीठी चटनी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग सौंठ की मीठी चटनी व्रत और उपवास में भी खाते हैं, तो उसमें मसाले व्रत और उपवास के हिसाब से एडजस्ट होते हैं और नमक उसमें सादे की जगह सेंधे नमक का इस्तेमाल होता है। तो ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए।